हेलो फ्रेंड्स, विनीताज टेक में आप सबों का स्वागत है। आज हमारे किचन में साउथ इंडियन बनने वाला है। साउथ इंडियन में बनने वाला है अप्पम, और अप्पम के साथ खाने के लिए हम बना रहे हैं पीनट चटनी और साथ में बनाएंगे कोकोनट चटनी। तो दोनों चटनियों की रेसिपी देंगे। सबसे पहले हम चटनी से शुरुआत करते हैं। हम लाल चटनी का मैंने लिया है सामान, तो उसके बारे में आपको बता देते हैं। मैंने लिया है आधी छोटा चम्मच शक्कर ली है, फूला हुआ चना है ये भूंजा वाला, ये आप दोनों चटनियों में यूज़ करेंगे इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है। ये उड़द की दाल है धुली हुई, पीनट है 3 टेबलस्पून, नमक है, और ये है राई, छोटी राई है तड़के के लिए, रेड चिल्ली पाउडर है 1/2 टीस्पून से कम है, और 1 टीस्पून इमली का पल्प है। इमली है जिसको मैंने भिगाया था। मैंने लिया है 4 दाना लहसुन के हैं, 4 क्लोव्स है, देसी घी है, 1 छोटी सी प्याज है जिसको मैंने काट लिया है, करी पत्ता है, और ये 3-4 लाल सूखी मिर्च है। आप चाहे तो यूज़ करें, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। हरी मिर्च करना चाहे तो हरी मिर्च यूज़ कर सकते हैं। मैं ये लाल सूखी मिर्च इस्तेमाल करने वाली हूँ। पीनट चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में डाल रहे हैं मूंगफली, इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास रोस्टेड पीनट है तो आप वही इस्तेमाल करें। इस चटनी को आप डोसा के साथ और इडली के साथ, चाहे वड़े के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। मूंगफली हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई है, इसको हम उतार लेते हैं। थोड़ा सा घी डाल रहे हैं पैन में, आप चाहें तो रिफाइंड का यूज़ भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालने वाली हूँ उड़द की दाल। लाल मिर्च डाल रहे हैं सूखी वाली। अगर आपके पास फूला वाला चना जो होता है भूंजा वाला, वो नहीं है तो आप उसकी जगह चने की दाल थोड़ी सी ले सकते हैं, 1 से 1.5 टेबल स्पून ले ले। आप क्वांटिटी के ऊपर, आप कितनी चटनी बना रहे हैं, कितने लोगों के लिए। मैं तो बहुत थोड़ा सा बना रही हूँ, 2 से 3 लोगों के लिए, तो मैं थोड़ा थोड़ा सब चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं, ज़्यादा या कम। इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं। ये 4 कली लहसुन की है, इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा इसमें चना भी डाल देंगे, 1/2 मैंने बचा लिया है कोकोनट चटनी के लिए। दाल जो है वो हल्का गुलाबी हो गई है, हमको इससे ज़्यादा नहीं चाहिए था। इन सबको अब बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसको पीस के दिखाते हैं। इसमें मिर्ची, नमक और इमली बाद में पड़ेगा जार में, जब हम पीसने लगेंगे तब डालेंगे। इसको अब बंद कर देते हैं। ये सारी चीज़ें ठंडी हो गई हैं, इनको मिक्सी के जार में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मूंगफली को इस तरह से छिलका उतार लिए हैं, थोड़ी सी शक्कर डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा ही ऐड कर रहे हैं, थोड़ा हम छोड़ रहे हैं, इमली, थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं स्वाद अनुसार, पानी ऐड करेंगे, बहुत थोड़ा सा करेंगे, एक बार में पूरा नहीं डालेंगे। ये देखिए हमारी चटनी पिस गई है, रेड वाली पीनट चटनी। हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे कटोरी में। इसको ना बहुत गाढ़ा रखिएगा ना बहुत पतला रखिएगा। अब मैं नारियल की चटनी बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है नारियल का बुरादा, 1/2 कप के करीब होगा ये। आपके पास अगर फ्रेश नारियल है पानी वाला तो उसको लीजिएगा आप, छोटे छोटे टुकड़े करके ले लीजिए। ये फूला वाला चना है जो मैंने भूंजा वाला लिया है,
दही है, ये दही मैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा आपको दिख रही होगी, चटनी में आधी जाएगी और आधी अप्पम में जाएगी। 4 दाने लहसुन के हैं, 4-5, और 2 हरी मिर्च है, राई है, करी पत्ता है, नमक है और देसी घी है। तो चलिए अब नारियल की चटनी बना लेते हैं। नारियल की चटनी के लिए मैंने जो नारियल का बुरादा लिया है जार में, सबसे पहले उसको ही डाल देते हैं। वैसे आप कुछ भी आगे पीछे डाल सकते हैं। ये चना डाल देते हैं, आप चने की दाल भी भूंज के थोड़ा सा डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये वाला चना नहीं है तो आप चने की दाल को ड्राई रोस्ट कर लीजिए, चाहे थोड़ा सा घी डाल के रोस्ट कर लीजिए और उसके बाद इसमें डाल दीजिए। 2 हरी मिर्च है, ये 5 दाने लहसुन के हैं। दो चम्मच दही डाला है, जरूरत होगी तो और लेंगे, नहीं तो थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। इसको भी बहुत गाढ़ा या बहुत पतला नहीं रखना है, मीडियम रखना है। थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं। अब इन सबको पीस लेंगे। ये देखिए नारियल की चटनी बनकर के तैयार है। अब इसमें सिर्फ तड़का लगना बाकी है, इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे किसी कटोरी में। अगर आप पतला करना चाहते हो तो थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। ये चटनी भी खाने में बहुत अच्छी लगती है, ये डोसा के साथ और इडली के साथ, वड़ा के साथ, सबके साथ जाता है। ये देखिए हमारी दोनों चटनी बन करके तैयार है। अब इसको तड़का लगा लेते हैं। इस तरह से कोई कलछी ले लीजिए, उसमें ये करी पत्ता डाल लीजिए और थोड़ी सी ये जो राई के दाने हैं उसको डाल लीजिए। आप बड़ी जो मोटी काली राई होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास इस समय नहीं थी तो मैं छोटी राई का भी इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा इसमें तेल या रिफाइंड या आप जो भी घी यूज़ करना चाहते हैं कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लेना है। राई अच्छे से कड़क गई है, अब इसको बंद कर देंगे गैस को। दोनों चटनी में थोड़ा थोड़ा ऐड कर देंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू तो अच्छी आती ही है। ये देखिए हमारी चटनी बन करके तैयार है। चलिए अब अप्पम की बारी है, अप्पम तैयार करते हैं। अप्पम बनाने के लिए मैंने लिया है 1 मेजरिंग कप से मैंने 1 कप सूजी लिया है। आप मोटी महीन कोई भी सूजी ले सकते हैं। मैंने ये 1 कप से थोड़ा कम, मतलब आप 75 ग्राम के करीब समझ लीजिए कि मैंने दही लिया है। नमक यूज़ करेंगे स्वाद अनुसार। ये 1/2 टीस्पून मैंने शक्कर लिया है। इनो लिया है जिसको फ्रूट सॉल्ट कहते हैं, इसको 1 टीस्पून यूज़ करेंगे और इसको हम मिक्सी में सबको मिला करके एक बैटर तैयार करेंगे। 1/2 ग्लास हम पानी ऐड करेंगे, ज़रूरत होगी तो हम और लेंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्सी में डाल लेंगे। सूजी है, शक्कर है, शक्कर आपके ऊपर है, डालना और डालिए, नहीं डालना तो छोड़ भी सकते हैं। नमक है, 1 टीस्पून के हिसाब से मैं डाल रही हूँ। दही ऐड कर लेते हैं। पानी हम शुरू में थोड़ा डालेंगे क्योंकि ये ऊपर की तरफ बाहर फेंकेगा, फिर बाद में हमको ज़रूरत होगी तो हम ऐड कर लेंगे। इनो हम सबसे बाद में डालेंगे, पहले बैटर तैयार हो जाएगा उसके बाद। देखिए बैटर हमारा तैयार हो गया है, इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमें इससे ज़्यादा गाढ़ा या इससे ज़्यादा पतला नहीं करने की ज़रूरत है। ये इनो है फ्रूट सॉल्ट, इसको हम ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून मैंने बोला था, इतना ही इसमें ज़रूरत है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अप्पम बनाने के लिए आपको घी या रिफाइंड की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नॉन स्टिक में बना रहे हैं तो। अगर आप लोहे के तावे पे बना रहे हैं तो एकदम वैसे ही बनेगा जैसे आप डोसा बनाते हैं। लोहे के तावे को खूब अच्छे से गर्म कर लीजिए पहले, फिर उसमें 2-3 बूंद तेल डाल करके पूरे में,
उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी का छींटा मारिए और उसको वाइप कर दीजिए किसी कपड़े से या टिश्यू पेपर से वाइप करके, तब बनाइए। और जब हम इस वाले को नॉन स्टिक में बनाएंगे तो नॉन स्टिक का तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखेंगे, हल्का गर्म होगा, और इसको हम डालते जाएंगे बिना घी बिना तेल के। पर इसको एक साइड ही कुक करना होता है, दूसरे साइड पलट के कुक नहीं किया जाता। इनो इसमें डालना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये रवा का है और इसमें फर्मेंट नहीं हुआ है, इसलिए हमने इसको फर्मेंट करने के लिए इनो डाला है, जिससे इसमें जाली आए। अप्पम में जाली आती है तभी वो अच्छा बन के तैयार होता है। और अगर आप नॉर्मल बना रहे हैं, जिससे आप इडली और डोसा बनाते हैं, राइस वाला जो बैटर होता है, तो उसमें आपको इनो की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको शुरू करते हैं बनाना। तावे को बहुत गर्म नहीं करना है हमको पैन को, और बीचों बीच डालेंगे सेंटर में। इसका साइज भी बहुत बड़ा नहीं होना है। जब ये ऊपर से पूरा ड्राई हो जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये कुक हो चुका है। इसको दूसरे साइड पलट करके बिल्कुल भी सेकने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको नाश्ते में या खाने में कभी भी खा सकते हैं। ये देखिए, ये एकदम अच्छे से ऊपर से ड्राई हो गया है, हम इसको टच कर पा रहे हैं, और ये बहुत इजीली निकल जाता है। ये पीछे से इस तरह से दिख रहा है और इस तरह से ये बहुत सॉफ्ट होता है और इस तरह से जालीदार। इसी तरह से हम बाकी अप्पम भी तैयार कर लेंगे। गैस की फ्लेम बहुत हाई मत रखिएगा, लो टू मीडियम पे ही रखिएगा आप इसको, नहीं तो वो एक ही साइड से पकना है और वो भी पूरा नीचे से जल जाएगा। एक कप सूजी से और आधे कप से थोड़ा ज़्यादा दही से ये मिल करके यानी कि 5 अप्पम बन के तैयार हुए हैं। अगर आपको ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है, ज़्यादा बनाना है, तो आप सब चीज़ को डबल कर लीजिए, सारी क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। ये देखिए, अप्पम और चटनी बन करके तैयार है। आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, आज का वीडियो कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।